Hello and welcome to SPM IAS Academy. In today's session, we will be analyzing the Assam Tribune of 6th October 2019. This is the list of the topics that we are going to cover in today's session. पहला आर्टिकल हमने एडिटोरियल सेक्शन से उठाया है. It is about small tea growers. So, ये आर्टिकल is actually interview of Mr. Prasanta J. Barua. He is chairman of Tea Board of India. And he is also chairman of Tokalai Tea Research Institute, that is at Jorhat. So he talks about the issues faced by tea states of Assam. So jo bhi problems tea states face kar rahe hain Assam mein, unko samajhne ke liye pehle hame samajhna hoga the business models of the tea industries in Assam. Matlab kaise ye kaam karte hain. So, अगर तुम देखोगे ये पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो then you will find that there are two business models for tea industries. One is known as composite gardens. ये composite gardens कैसे होते हैं? They are big gardens. They produce large tea leaves. बहुत large amount में tea leaves produce करते हैं. और उसी garden के अंदर these tea leaves are processed, then packed and then sent to the market for sale. एक एक तरह का बहुत ही बिग गार्डन होगा और यहाँ से टी प्रोड्यूस होंगे और इसी गार्डन में किसी एक साइड में एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट होगा जहाँ पे प्रोसेस करके पैक करके और मार्केट में सेल किया जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट गार्डन मॉडल. और जब से आसाम के अंदर टी प्रोडक्शन चालू हुआ है स्टार्टिंग में कंपोजिट गार्डन मॉडल ही फॉलो होता था, लेकिन एक नया बिजनेस मॉडल टी स्टेट्स में निकल के आ रहा है, टी इंडस्ट्रीज में निकल के आ रहा है, जो रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टी ग्रोअर्स एंड बॉट लीफ फैक्ट्रीज मॉडल. इसको समझते हैं. तो देखो इस मॉडल में होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे टी ग्रोअर्स होते हैं, टी लीव्स ग्रोअर होते हैं. जैसे तुमने अपने घर के सामने छोटा सा फार्म लगा दिया, वहाँ से पे तुमने कुछ टी लीव्स उगा लिए, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टी लीव्स ग्रोअर होंगे. और ये सारे टी लीव्स ग्रोअर होंगे जो होंगे ये अपने टी लीव्स को प्लग करके एक लीफ फैक्ट्री को बेचाएंगे. मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, स्मॉल टी ग्रोअर्स एंड बॉट लीफ फैक्ट्रीज. मतलब ये ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जिनका अपना कोई गार्डन नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल गार्डन से लीव्स को कलेक्ट करेंगे और अब एक बार कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे और फिर सेल कर देंगे. देखो इस मॉडल का एक फ़ायदा क्या है कि अलग अलग तरह के लीव्स को मिक्स कर सकता है. एक कुछ अच्छे क्वालिटी के लीव्स खरीद लेगा, कुछ सस्ते और ख़राब क्वालिटी के लीव्स खरीद लेगा. इससे होता क्या है कि इसकी कॉस्ट वो कम कर सकता है. वही पुराने मॉडल में अगर तुम देखो, अगर तुम्हें पूरे गार्डन में तुमने अच्छे क्वालिटी के लीव्स लगाए हैं तो तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा होगा, और अगर तुमने पूरे गार्डन में घटिया क्वालिटी के लीव्स लगा दिए तो तुम्हारा वो टी बिकेगा ही नहीं. मिक्सिंग करने का यहाँ पे चांस नहीं था. बट ये जो नया मॉडल है इसमें तुम अच्छे क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी को मिक्स करके ओवरऑल प्राइस कम कर सकते हो. सो कंपोजिट गार्डन्स के जो टीज होते हैं दे आर ऑफ हाई क्वालिटी, बट प्रॉब्लम इज कि उनका कॉस्ट हाई होता है. जो ये दूसरा मॉडल है स्मॉल टी ग्रोअर्स बट बॉट लीफ फैक्ट्रीज, इनका कैसा है, ओवरऑल क्वालिटी थोड़ा पुअर होगा बट दे आर ऑफ लो कॉस्ट बिकॉज इट कैन मिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. ये मॉडल हाल फिलहाल में ज़्यादा चलता है बिकॉज ओवरऑल द प्राइस ऑफ द टी प्रोड्यूस्ड विद दिस मॉडल इज लेस, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी भी थोड़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस मॉडल. और यही कारण है कि अब इंडिया खासकर आसाम के जो लीव्स हैं उनका जो पहले रीच था मार्केट में, मतलब जो डिमांड था मार्केट के अंदर बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, वो कम होता जा रहा है. और धीरे धीरे अब ओवरऑल अर्निंग्स आसाम टी इंडस्ट्रीज की कम हो रही है क्योंकि जो उनका फेम था आसाम टी का वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो अब टी प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद दिस मॉडल, और इस मॉडल में आपने देखा कि टी की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी. और यही कारण है कि एक टाइम में आसाम के ट्रीज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे, बट नाउ इंडिया हैज़ स्लिप्ड टू फोर्थ प्लेस
place in export of tea, and now Kenya has become the largest exporter of tea. So ये हाल फिलहाल में एक business model है. इसको counter करने के लिए Assam state कुछ तरीके सोच रही है. वो एक basic minimum quality standard fix करना चाहती है. वो कैसे करेगी? वो सोच रही है कि leaf factories को fix कर दे कि वो एक minimum standard से नीचे या सस्ता quality का leaf खरीद ना पाए. और इस तरह से एक basic minimum standard fix किया जा सके tea of आसाम का. तो दूसरा आर्टिकल है वो हमने इंटरनेशनल सेक्शन से उठाया है, हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरीज मार्च टुवर्ड्स एलओसी. सो लगभग 3000 लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया से प्लान कर रहे हैं कि वो एलओसी को पार करके श्रीनगर पहुंच जाएं, जो इंडिया के हिस्से में आता है. दे आर प्लानिंग दिस मार्च इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. आपको पता है कि अगस्त 5 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस सीज कर दिया था बाय मॉडिफाइंग आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के प्रोटेस्ट में ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया से इंडिया के अंदर एंटर करना चाहते हैं, और उन्होंने इस मार्च का नाम दिया है फ्रीडम ऑफ मार्च. मैंने ये पूरा आर्टिकल इसलिए सेलेक्ट किया है सो दैट मैं आपको जरा बैकग्राउंड दे सकूँ ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना कैसे, इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे सकूं. तो देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आपको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये लिखा था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या तो वो भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. तो जम्मू कश्मीर दैट वॉज रूल्ड बाई राजा हरी सिंह एट दैट टाइम ने डिसाइड किया कि इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट. लेकिन कुछ ही महीनों बाद इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर विथ एन इंटेंशन ऑफ ऑक्यूपाइंग एंटायर जम्मू एंड कश्मीर. तो पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया में अटैक करके धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को अक्वायर करते हुए आगे बढ़ रही थी. तभी राजा हरी सिंह दिल्ली आए और उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया. उसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में गई और उसने पाकिस्तानी आर्मी को रोक दिया लगभग इस एरिया में. उसके बाद भारत ने ये मैटर यूनाइटेड नेशंस में रखा ऑन 1 जनवरी 1948, और यूनाइटेड नेशन में ये डिसीजन लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट कराया जाए, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग वोट करके डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान का, या फिर वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं. लेकिन इस प्लेबिसाइट के लिए कंडीशन रखी थी यूनाइटेड नेशन ने कि दोनों ही साइड के, पाकिस्तान और इंडिया के साइड के फोर्सेस यानी कि मिलिट्री वापस निकल आए, बाहर चले जाए जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ही प्लेबिसाइट कराया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर के लोग निष्पक्ष होकर के अपना वोट दे सके. लेकिन पाकिस्तान आर्मी कभी यहाँ से विड्रॉ उसने किया नहीं इस डर में कि हो सकता है कि प्लेबिसाइट में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के पास चला आए. कम से कम इस केस में उनके पास इतना पोर्शन तो रह रहा है. और इस तरह से जब पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ विड्रॉ किया नहीं तो कभी भी प्लेबिसाइट हो नहीं पाया जम्मू एंड कश्मीर में, और आज तक ये कंडीशन बनी हुई है. इतना पोर्शन पाकिस्तान के पास है जिसका नाम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, रिमेनिंग पोर्शन इंडिया के पास है. और ये जो न्यूज़ हमने पढ़ा है उसमें यही देखा है कि इस साइड में रहने वाले लोग अब गैदर कर रहे हैं एंड दे नाउ वॉन्ट टू क्रॉस दिस बॉर्डर, जिसको हम लोग LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और वो बॉर्डर को क्रॉस करके श्रीनगर में आकर के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एब्रोगेट आर्टिकल 370. नेचुरली ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि भारतीय सेना उनको यहाँ LOC पे रोक देगी, बट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम एट द LOC इन कमिंग डेज बिकॉज ऑफ दिस मार्च. द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, NRC एक्सरसाइज मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. देखो, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिस शेख हसीना, और उसमें मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि
जो एनआरसी अपडेट का एक्सरसाइज इंडिया ने किया असम के अंदर, वो उसने किया आफ्टर डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए इंडिया ने एनआरसी अपडेट किया है असम के अंदर। लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को इस एनआरसी अपडेट से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया साइड टू बांग्लादेश विथ रिस्पेक्ट टू दिस एनआरसी। इसका मतलब ये है दैट इनडायरेक्टली इंडिया ने कंसीड कर दिया है कि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं अपडेट हो पाया है, उनको भारत बांग्लादेश में फोर्सफुली नहीं भेजेगा। इनडायरेक्टली इंडिया ने तो कम से कम ये कंसीड कर लिया है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ दिस मीटिंग को देख लेते हैं। अगर कोई सवाल आ जाए रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स। सो अ पाइपलाइन टू इम्पोर्ट एलएनजी फ्रॉम बांग्लादेश टू त्रिपुरा विल बी सेटअप। इंडिया विल बिल्ड विवेकानंद भवन, अ स्टूडेंट हॉस्टल इन ढाका। इंडिया विल ऑल्सो बिल्ड एन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एट खुलना इन बांग्लादेश। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन। इंडिया में बेनिफिट फ्रॉम यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या है पहले इसको समझते हैं, एंड देन वी विल सी हाउ इंडिया में बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रेड वॉर। तो देखो ट्रेड वॉर क्या होता है पहले ये देखते हैं। अगर कोई दो कंट्री एक दूसरे के प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करे तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड वॉर। जैसे कि मान लो चाइना में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट अगर यूएस में बिकने वाला हो, अगर वो प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट किया जाए और उस प्रोडक्ट को, लेकिन आपको पता है कि यूएस में इंटर करने से पहले एक इम्पोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, और अगर यूएस इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करना शुरू कर दे और उसके जवाब में यूएस से आने वाले जो प्रोडक्ट चाइना में हैं उनके अगेंस्ट चाइना बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करना शुरू कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड वॉर। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके एक दूसरे का इम्पोर्ट को कम किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड वॉर। एंड नाउ यूएस एंड चाइना हैव बीन एंगेज्ड इन ट्रेड वॉर। दे आर सक्सेसिवली इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम ईच अदर। अब देखते हैं कि कैसे इस ट्रेड वॉर का फायदा इंडिया उठा सकता है। तो देखो मान लो कोई कंपनी ए है जो चाइना से ऑपरेट करती है और वहां पे ये कोई गुड्स बनाती है, यहाँ से अगर वो कोई सामान बना करके अगर यूएस में बेचता है तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा यूएस में अपना माल बेचने के लिए। लेकिन यही कंपनी इस अपना फैक्ट्री इंडिया चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लगा दे और फिर इंडिया से अगर वही माल ले जा करके यूएस में बेचे तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कम भरना पड़ेगा। और यही कारण है कि उम्मीद की जा रही है कि ट्रेड वॉर से इंडिया को फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी जो चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं अभी, वो अब चाइना से निकल के इंडिया में आएंगे। और भी कंट्रीज हैं जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, मेक्सिको है, वहाँ भी ये सारे कंट्रीज ये कंपनीज जा सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम लोकल सेगमेंट। शंकरदेव बर्थडे एनिवर्सरी प्रोग्राम एट सुअलकुच्छी। सो ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको पता है हर साल शंकरदेव जी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो कुछ उनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। तो महापुरुष शंकरदेव जी, ही वॉज बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1449 एट प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट नौगांव। ही इंस्पायर्ड भक्ति मूवमेंट इन आसाम। इनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस म्यूजिक, बोरगीत, थिएटर परफॉर्मेंस, आंकिया नाटन भावना डांस, सत्रिया डांस, एंड ही मोस्टली रोट इन ब्रजवली लैंग्वेज। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन फ्रॉम लोकल सेगमेंट। यूको बैंक लोन सैंक्शंस ऑफ रुपीज 17.03 करोड़। अब ये न्यूज अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन मैंने ये आर्टिकल इसलिए पिक किया है क्योंकि इसका ये आर्टिकल कहता है कि यूको बैंक ने 17 करोड़ का लोन कस्टमर्स को बांटा, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज लोन्स हैव बीन गिवन अंडर स्वयं स्कीम। स्वयं इज
स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, और ये स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, दैट इज़ व्हाई आई कवर्ड दिस स्कीम. सो लेट अस सी व्हाट इट इज़. स्वयं स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, इट इज़ अ स्कीम ऑफ असम गवर्नमेंट, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि असम के जो यूथ हैं उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए इन फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स, ताकि वो इस फाइनेंशियल सपोर्ट का हेल्प कर लेकर के अपने लिए कुछ नया रोजगार स्टार्ट कर सके, कोई छोटा मोटा शॉप डाल सके या कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सके. सो इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम. इसके अंदर 1 लाख तक का लोन दिया जा सकता है नए बिजनेस के लिए, जबकि अगर किसी का पहले से बिजनेस चल रहा है तो उसके एक्सपेंशन के लिए उसको 2 लाख तक का लोन दिया जा सकता है. लेट अस कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट दैट आई टुक फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. आईआईटी गुवाहाटी हैज़ डेवलप्ड स्मार्ट इंजीनियर. इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड इंजीनियरिंग डिजाइन टूल. प्रकाश पोर्टल, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन कोल सप्लाइज टू पावर प्लांट्स. न्यू MD एंड CEO ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड इज मिस्टर सुशील चंद्रा. पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन 2019. ऊर्जा गिरी, इट इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन बाय उत्तराखंड टू स्टॉप पावर थेफ्ट. MO सरकार मो सरकार कैंपेन लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. This is for today. Thank you.